जनपद संभल की चंदोसी में संयुक्त चिकित्सालय के स्टाफ पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में शुरू हो गया है। इसी के तहत जनपद संभल में भी 6 केंद्रों का कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन करने के लिए चयन किया गया है। आज चंदोसी में संयुक्त चिकित्सालय में स्टाफ के ऊपर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। इस विषय में डॉक्टर विश्वास अग्रवाल ने बताया कि जनपद में कुल 6 केंद्रों को ड्राई रन के लिए चयनित किया गया, जिसमें 3 शहरी 3 ग्रामीण केंद्र हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि काफी ट्रायल के बाद सरकार ने इस वैक्सीन को स्वीकृति दी और इस वैक्सीन का स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज कोरोना वैक्सीन का ट्रायल है जिसमें चंदौसी और जनपद संभल में है, तो इसमें कहां का कितने जगह पर यह ट्रायल किया जा रहा है? हमारे जनपद में टोटल 6 जगह चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 3 नगरीय और 3 ग्रामीण क्षेत्रों को लिया गया है। नगरीय क्षेत्रों में चंदौसी, बहजोई एवं जनपद अस्पताल संभल को लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गुन्नौर, रजपुरा और जूनागढ़ को लिया गया है। तो किस तरह का अभ्यास किया जा रहा है? हर सेशन ये वैक्सीन के आने पर कोई समस्याएं ना आए, इसके लिए एक अभ्यास किया जा रहा है कि हमारा सेशन किस तरीके से होगा। हर सेशन के लिए हमें 3 कक्षों को चिन्हित करना है। एक कक्ष में हमें वेटिंग एरिया रखना है, दूसरे कक्ष में हमें वैक्सीनेशन करना है और तीसरे कक्ष में हमें उनको वैक्सीन के बाद आधे घंटे के लिए देखना है, कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ना आए। जैसे कोरोना वैक्सीन को लेकर वायर चली आ रही है, तो क्या संदेश देंगे आप लोगों को? मैं बस अब ये कहना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा जो ये वैक्सीन दी गई है, कई चरणों के ट्रायल के बाद, कई साइंटिस्ट की मेहनत से दी जा रही है, इससे किसी प्रकार का भी कोई स्वास्थ्य प्रभाव संभावित नहीं है। हर वैक्सीन जो भी लगाई जाती है उसमें आधे घंटे के लिए हम लोग देखते ही हैं, ये भी उसी प्रकार का एक सामान्य अभ्यास है। वैक्सीन देने के बाद आधे घंटे तक देखा जाना, किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं की कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है। आज चतुर्थी में सीएससी में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, ट्रायल में आप भी शामिल हुई हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ट्रायल है और इसमें जो है केवल आगे हमको भी एक प्रशिक्षण दिया गया है कि हमें आगे जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा उसमें हमें कैसे अपने भूमिका निभानी है। और वैक्सीनेशन लगाने के बाद आधा घंटा यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है, जिससे इन केस, वैसे इसमें कोई, ये बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई परेशानी वाली नहीं, बात नहीं है, क्योंकि बहुत जगह इस वैक्सीन का ट्रायल हो चुका है और ये सुरक्षित है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इसे बेझिझक होकर इस वैक्सीन को लगवाने के लिए आगे आएँ और इससे वैक्सीनेशन से देश को कोरोना से मुक्ति दिलाएं।